हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं सूरतगढ़ से जा रहा हूँ बीकानेर की तरफ, तो यहाँ से भाई 170-180 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ, देखो क्या मस्त लोकेशन है भाई साहब। और आगे ना बहुत सारी पहाड़ियाँ आएंगी ऐसी रेते वाली, तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार जरूर जाएंगे इन पहाड़ियों में ना। और ये पीछे सूरतगढ़ रह चुका है, मैं यहाँ पे गुरुद्वारे में रुका हुआ था और अभी गुरुद्वारे से मैं आ गया हूँ। 11 बज चुके हैं, लेट हो चुका हूँ मैं। और एक ना उल्टी हवा चल रही है, तो जोर बहुत लग रहा है, कभी चढ़ाई कभी तराई, कभी चढ़ाई कभी तराई, ऐसी ही आ रही है। तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है बीकानेर तक जाने में। बाकी एक दिन तो हो गया, एक दिन और लग जाएगा मेरे ख्याल से। बीकानेर यहाँ से 174 किलोमीटर दिखा रहा है। और रोड देखो कैसे चल गए भाई साहब, देखो इस साइड। यहाँ से उतरते एक मंदिर है और मंदिर के पास मैं रुक गया हूँ। सबसे पहले पानी भर लेता हूँ क्योंकि आगे रोड देखो भाई साहब, बिल्कुल सुनना रोड है। पानी की बोतलें दोनों भर लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखो। हवा जो है ना पीछे की तरफ लेके जा रही है क्योंकि पेड़ पौधे बहुत कम है रोड पे, देखो देखो पीछे। और हवा का जो सीधा बहाव है ना पीछे की तरफ खींच रहा है, तो अभी जोर बहुत लग रहा है साइकिल चलाने में यहाँ पे। और भाई साहब जमीन देखो कैसी स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल मिट्टी रेते वाली। कितना गंदा एक्सीडेंट हुआ और रखा है, देखो इस ट्रक का बड़ा गंदा हो रखा है। अभी मैं यहाँ से जा ही रहा था और पीछे ट्रक का देखो कितना गंदा एक्सीडेंट हो रखा है। अभी तक मैं 1128 किलोमीटर टोटल चल चुका हूँ यहाँ तक अभी तक, और आज 27 दिन हो चुके हैं मुझे चलते हुए को। सुनसान रोड, ना इधर कुछ ना उधर कुछ। चलो फिर चलते हैं यहाँ से, जितना रुकेंगे हमारे लिए उतना ही लेट होएगा, निकलते हैं यहाँ से। तो यार एक पुल चढ़ने के बाद तभी दूसरा पुल तैयार हो जाता है, फिर उतरते हैं, फिर दूसरा पुल, फिर उतरते हैं, फिर पुल, ऐसे ही चल रहा है। अभी तो पहाड़ी एरिया सा आ गया यार, देखो वो वहाँ से आ रहा हूँ मैं पीछे से, ठीक है। और इस साइड देखो अभी चढ़ाई ही चल रही है। तो बीकानेर तो मेरे ख्याल से भाई कब तक कब पहुँचा जाएगा, क्योंकि यार ये एक्सपीरियंस तो पहला ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। पंजाब में तो बिल्कुल फ्लैट रोड थे, बिल्कुल सीधा चला जाता, हर स्टेट का एक्सपीरियंस अलग होएगा। तो यहाँ पे थोड़ा साइकिल चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाकी देखो चला रहे हैं अभी तो, कितना टाइम लगता है कितना नहीं। जोर बहुत लग रहा है लेकिन हवा पीछे खींच रही है वापस, धूप गर्मी है ना, जोर बहुत लग रहा है। लेकिन चलो घूमना है भाई एक साल के अंदर पूरा इंडिया। यहाँ अगर आप 15 किलोमीटर चल रहे हो ना तो आपका 30 किलोमीटर जितना जोर लगेगा। आगे देखो कितनी लंबी चढ़ाई आ गई है, देखो। और मैं सूरतगढ़ से 40-45 किलोमीटर ही चल पाया था, उसके बाद मैं अर्जन सर गुरुद्वारे में आ गया था, यहाँ पे मैं आज रात रुकने वाला हूँ। तो गाइस काफी बंदे बोलते हैं कि आप कपड़े वगैरह कैसे धोते हो ना, मैंने भिगो दिए हैं कपड़े, धो देते हैं जल्दी जल्दी, फिर एडिटिंग करनी है, फिर उसके बाद अपलोड करनी है, बहुत काम है भाई साहब, जल्दी जल्दी धो लेते हैं। अगले दिन सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल पड़ा नहा के, दोस्तों गुरुद्वारे से तो चला गया हूँ मैं। और गाइस काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ना यार राजस्थान में ना साइकिल चलाने में जोर बहुत लग रहा है यार। तो अपना पंजाब में तो बहुत बढ़िया सिस्टम था, यहाँ पे क्या है ना यहाँ पे टिब्बे से बने हो रखे हैं, कभी ऊंचा रास्ता आ जाता है, कभी एकदम नीचे आ जाता है रास्ता, कभी एकदम से
उतराई आ जाती है, कभी चढ़ाई आ जाती है, ऐसे ही चल रहा है अभी तक तो। अगर आप 50 किलोमीटर चलते हो ना तो यार मतलब ये समझ लो कि आपका 100 किलोमीटर का जोर लग गया। दो दिन हो गया आज चलते हुए, अभी तक हम बीकानेर नहीं पहुँचे। देखते हैं कितने दिन और लगते हैं, कितने दिन नहीं। देख रहे हो तराई उतरती कम है और तराई चढ़ती ज़्यादा है, देखना। ऐसे ही चलता आ रहा है भाई साहब, तभी तो ऐसे लगता है जैसे 50 किलोमीटर चलने के बाद 100 किलोमीटर चल लिया। चढ़ाई देखो आप एक बार, यार क्या ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं ना यहाँ पे रुका था दुकान के पास। देखो पीछे दुकान है जो मैं यहाँ रुका था और मुझे इस साइड जाना है। धूप देखो कितनी करारी हो रखी है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ भाइयों की दुकान पे बैठा था। और एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे, भाइयों ने बताया कि ना यहाँ से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गाइस क्या ना कि मैं रास्ते से जा रहा था अभी, तो मुझे भाई मिल गया पवन भाई, और ये लूनिकसर तक जा रहे हैं और मैं तो जा रहा हूँ इनका हाथ पकड़ के लूनिकसर। अभी 30-35 किलोमीटर है यहाँ से, तो चलता हूँ मैं भाई के साथ, बाकी वहीं जाके मिलते हैं। तो मैं दोस्तों लूनकर्णसर शहर में पहुँच चुका हूँ और मैं इस गुरुद्वारे में रुका हूँ, लेकिन कल मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ जो वो ज़रूर देखना, क्योंकि वो व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। तो भाई साहब ज़बरदस्त व्लॉग आएगा कल।